हिंसा मामले के मुख्य सूत्रधार जावेद पंप के 5 करोड़ की लागत से बने अवैध आलीशान घर को रविवार को पीडीए ने जमींदोज कर दिया। पुलिस ने उसके घर से अवैध असलहे एवं धार्मिक भावनाओं को भड़काने से संबंधित साहित्य बरामद किया है। 5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में हैं, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि थाना खुल्दाबाद एवं करेली में दर्ज हुए 3 मुकदमों में 29 गंभीर एवं कठोरतम धाराएं लगाते हुए मुकदमा दर्ज हुआ था। 70 उपद्रवी नामजद थे, 5000 अज्ञात थे। 24 घंटे के भीतर कुल 68 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया था। अब तक कुल 91 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर कार्यवाही की जा चुकी है एवं अन्य कार्रवाई जारी है। उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और 24 घंटे के भीतर त्वरित और तत्परतापूर्वक सख्त कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 68 उपद्रवियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की गई है। इसमें से 64 उपद्रवी बालिग हैं जबकि 4 नाबालिग घोषित हुए हैं। उसके बाद कुल 23 अन्य उपद्रवियों को वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुए उनसे सघनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है, उनके खिलाफ सबूत देखे जा रहे हैं। इस प्रकार से कुल अब तक 91 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। अब तक की तफ्तीश में मास्टरमाइंड के रूप में उभरे मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के अवैध 3 मंजिला करीब 5 करोड़ से अधिक कीमत के मकान को नियमानुसार पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अवैध निर्मित मकान की सर्चिंग के दौरान 2 अवैध असलाह, कई कारतूस, एक बड़ा बांका, चाकू और एक कागज मिला है जिस पर माननीय न्यायालय के खिलाफ तल्खी भरी आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी हुई है। इस पर नियमानुसार अलग से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पर उसके अवैध निर्माण पर ये जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है, उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है, इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं, कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस जावेद मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जाए। एंटी नेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ ऐसा कुछ मिला है? लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। चूँकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से, पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक ही पूरी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है। कानून को हाथ में लेने वाले, मनमानी करने वाले, पुलिस प्रशासन पर पथराव करने वाले, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करने वाले, खुराफाती तत्वों तथा साजिश रचने वाले लोगों को किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं जाएगा। जो भी क्रिमिनल माइंडसेट का होगा, बदनीयत होगा, जो छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, अबोध बच्चों को आगे करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, उनको हम कतई नहीं छोड़ेंगे। नाबालिग बच्चों को आगे करके जो दंगा फसाद कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे पथराव कर रहे हैं, आम जनता पे पथराव कर रहे हैं, उनको कतई किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या पीएफआई का संबंध पीएफआई से हो सकता है, इस तरह की चर्चा? देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इसमें, लेकिन जो भी नाम निकलेगा, क्राइम और क्रिमिनल नेटवर्क से उसका नाता होगा, साजिश रचने में, फैलाने में, छोटे छोटे बच्चों को आगे करने में, ये सब में जिसका भी हाथ आएगा, वो किसी भी दल, बल या संगठन से हो, कतई बख्शा नहीं जाएगा।